नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ड्रैगन पैलेस में बुद्ध पूर्णिमा उत्साह से मनाई गई। विशेष बुद्ध वंदना का किया गया आयोजन। 850 किलो वजन की चंदन की तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को फूलों से सजाया गया। संत सेवालाल महाराज के भव्य प्रतिमा का निर्माण। पंचधातु से बनाई जाएगी संत सेवालाल महाराज की घुड़सवारी प्रतिमा। 16 फीट ऊंची प्रतिमा का किया जा रहा है निर्माण। और बेटी की शादी में विधवाओं को बांटी सिलाई मशीनें। भारतीय संविधान पुस्तक देकर किया अतिथियों का स्वागत। दिव्यांगों को बांटे तिपहिया। अब खबरें विस्तार से। भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने सत्य, अहिंसा और करुणा की सीख दी। मानवता का संदेश दूर दूर तक पहुंचाने वाले सिद्धार्थ गौतम, मतलब भगवान गौतम बुद्ध, इनकी बुद्ध पूर्णिमा कामठी के ड्रैगन पैलेस में उत्साह के साथ मनाई गई। इस समय विशेष बुद्ध वंदना का आयोजन भी किया गया था। कामठी के ड्रैगन पैलेस में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विशेष बुद्ध वंदना और धम्म देशना परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि के प्रमुख भंते नाग दीपंकर इनके प्रमुख उपस्थिति में की गई। महापरित देशना व महापरित्राण पाठ भी किया गया। इस समय ड्रैगन पैलेस टेम्पल के प्रमुख व माजी राज्य मंत्री एडवोकेट सुलेखा कुंभारे इनके हाथों उपस्थित भिक्खु संघ को चिवरदान व भोजनदान किया गया। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर महापरित्राण पाठ, सामूहिक विपश्यना ध्यान साधना, धम्म देशना, शांति कैंडल मार्च इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन 15 व 16 मई को किया गया। इस अवसर पर धम्म सभागृह की केंद्र बिंदु 850 किलो वजन की चंदन की तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को भी विविध रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया है। वीकेबी न्यूज के लिए कामठे से नितिन राविकर की रिपोर्ट। नागपुर नगर निगम के आपातकालीन विभाग के कर्मियों ने 13 मई को दोपहर 12:30 बजे खुली खदान रामटेक वैतोला को 25 फुट गहरे पानी में एक व्यक्ति को मृत पाया। मृतक 17 वर्षीय प्रेम घनश्याम धामने मंसर का रहने वाला है। स्थानीय भोई लोगों व प्रशासन के सफल ना होने पर SDO व तहसीलदार ने फायर ब्रिगेड की मदद मांगी। रविंद्र मरासकोल्ले और विकास राठौड़ ने जोखिम उठाया और 1 घंटे के भीतर शव को पानी में ढूंढ निकाला। यवतमाल के पंडरकवड़ा तालुके में रात को एक घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को पंडरकवड़ा पुलिस सुरक्षा मुहैया कर रही है। इतना ही नहीं, आरोपी दृढ़ निश्चयी है और जल्दबाजी में की गई कार्रवाई को लेकर लगातार धमकी दे रहा है। फिरियादी बेबी फरीदा अब्दुल बशीर अब गंभीर हालत में है और उसने फिर से पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। यवतमाल की रहने वाली बेबी फरीदा का पांडरकवड़ा तालुका के धरना गांव में एक खेत है। इस क्षेत्र में उन्होंने अपने खर्चे पर ताजुद्दीन बाबा की दरगाह का निर्माण कराया है। घर खेत में होने के कारण बच्चे भी यही रहते हैं। 6 जनवरी 2022 को आरोपी प्रणय बल्की, रेणुका बल्की, नत्थुजी बल्की और 4 अन्य ने रात 11 बजे घर में घुसकर बेबी की पिटाई की। इतना ही नहीं, उसने रास्ते में घर का दरवाजा भी बंद कर लिया। इस बीच जब बेबी ने घटना की जानकारी पांडरकवड़ा पुलिस को दी तो PSI महल्ले रात में मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। अगले दिन वह थाने आए और शिकायत दर्ज कराने को कहा। सुबह दरगाह का निरीक्षण करते समय दानपेटी भी टूटी हुई अवस्था में थी। हालांकि पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बेबी ने शिकायत की कि आरोपी को सिर्फ 149 की नोटिस देकर मामले को दबा दिया गया। इसके बाद न्याय के अभाव में बेबी ने पुलिस अधीक्षक को बयान दिया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बेबी ने फिर से पुलिस अधीक्षक से ठोस कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि उसने रात में घर में घुसकर दानपेटी तोड़कर पैसे की चोरी करने के बाद ही निवारक कार्रवाई की। बेबी फरीदा अब्दुल बशीर ने कुछ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि वे आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। आरोपी के पिता इस दरगाह के ट्रस्टी है। अब आरोपी इस दरगाह के कामकाज में दखल देने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2 साल में 5 से 6 बार आरोपी दरगाह आए और धूल फाँक दी। इस संबंध में शिकायत भी की गई है। हालांकि पुलिस के ठोस कार्रवाई नहीं होने से आरोपी का मनोबल बढ़ा है और बेबी ने पुलिस अधीक्षक से नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम बेबी फरीदा अब्दुल बशीर शेख, मैं रहने वाली धारणा की हूँ। कुछ साल पहले मेरे आदमी का इंतकाल हो गया। मेरी खेती नेशनल हाईवे रोड पर है। उस खेत में ताजुद्दीन बाबा का दरबार है। 6 जनवरी 2022 को प्रणय बल्की, रेणुका बल्की, नत्थुजी बल्की और 4-5 लोग
रात में 11 बजे आए, मुझे मार ठोक किए और मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद करके चले गए। मैंने इसकी सूचना पांडरकोड़ा पुलिस में दी। रात में पुलिस वाले आकर, महले साहब आकर मेरा दरवाज़ा खोले और मुझे कल आकर रिपोर्ट देने के लिए कहा। दूसरे दिन सवेरे मैं चिराग बत्ती करने के लिए जब दरबार में पहुंची तो वहां देखा दान पेटी फूटी थी। मैंने पुलिस वालों को बताया कि साहब दान पेटी भी फूटी है, तो पुलिस वालों ने मेरा रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिए। 8 तारीख को मैंने एसपी साहब को बाय पोस्ट रिपोर्ट भेजा और 17/1 को फिर जाकर बाय हैंड रिपोर्ट दी। उसकी चौकसी 2-3 महीने के बाद में एक महल्ले करके आए, उन्होंने ये किया और चले गए। 18 तारीख को अभी 4 महीने के बाद में 18 तारीख को मेरे को थानेदार साहब ने बुलाए और एक कागज़ दे दिए। मैंने साहब को बताया, साहब 4-5 दिन पहले वो लोग और मेरे घर पर आए थे और उनके साथ में कोई सावन बाबा था, प्रणय बल्की वगैरह और कौन कौन थे पता नहीं साहब, दरवाज़ा खींच खाच ठोक ठाक कर रहे थे। तो थानेदार साहब बोले नहीं, वो आ ही नहीं सकते और अगर इसके बाद अगर वो आए तो तुम उनका वीडियो बनाओ, फोटो निकालो, उसके बाद बताओ। मेरे को 2020 से तकलीफ है, जब से मैंने प्रणय बल्की को पैसे वगैरह दिए है और प्रणय बल्की का जो पिताजी है वो मेरे इसमें दरबार में ट्रस्टी है और ये लड़के का और बाकी लोगों का इनका मेरा दरबार मेरी खेती हड़पने का इनका चक्कर है और ये बार बार आकर मेरे को मार ठोक झगड़े और पैसे वैसे के लिए तकलीफ देते हैं। मैंने इसकी बार बार सूचना पुलिस में दी लेकिन पुलिस वाले उन्हें कोई एक्शन लेते नहीं, कोई उन पर कार्रवाई करते नहीं। अभी तक 6-7 बार कभी चाकू से कभी राड से और हर बार के झगड़े में ये रेणुका बल्की हमेशा रहती है, विनोद बल्की, रेणुका बल्की और एक रविंद्र बोबड़े और बाकी के और जो लोग हैं उनको नहीं पहचानती मैं। और इस टाइम सावन बाबा ये लोग, मैंने जब वो कागज़ अपने इस वकील को बताया, वकील बोला कि ये रिपोर्ट बराबर नहीं है। फिर मैंने बाकी इसका डबल से रिपोर्ट अभी एसपी साहब को दी है। मैं तमाम पत्रकारों से एसपी साहब से विनती करती हूँ, मेरे पे जो बार बार अन्याय हो रहा है मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरे को घर से रहना निकलना मुश्किल हो गया है। यवतमाल के पूर्व मंत्री विधायक संजय राठौर के विशेष प्रयासों से पोहरादेवी में बन रहे नांगरा संग्रहालय का कार्य प्रगति पर है। इस भव्य संग्रहालय के सामने पंचधातु से घोड़े पर सवार संत सेवालाल महाराज की 16 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। पोहरादेवी बंजारा समुदाय का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पूर्व मंत्री विधायक संजय राठौर के विशेष प्रयासों से इस स्थान पर भव्य नांगरा वस्तु संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसके अहम हिस्से के तौर पर देश के पंचधातु से बनी संत सेवालाल महाराज की पहली प्रतिमा दर्शनीय क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। इस पवित्र प्रतिमा में बंजारा समुदाय की शक्तिपीठ का पंचधातु चढ़ाया गया। संत सेवालाल महाराज की पूजा के बाद सबसे पहले भोग लगाया गया। अरदास का पाठ महंत कबीरदास महाराज ने किया था। उसके बाद विधायक संजय राठौड़ और वर्तमान महंत कबीरदास महाराज, महंत सुनील महाराज, महंत जितेंद्र महाराज, संजय महाराज और अन्य गणमान्य लोगों ने पंचधातु का भोग लगाया। मूर्तिकार रामू चव्हाण की मूर्ति द्वारा इस कार्यक्रम का फेसबुक पर सीधा प्रसारण किया गया ताकि समुदाय इस सुनहरे क्षण को देख सके। नांगरा समन्वय समिति प्रांत के पदाधिकारी राजेश चव्हाण, प्राध्यापक किशोर राठौड़, पांडुरंग राठौड़, शेखर राठौड़ ने पहल की। इसके लिए विधायक संजय राठौड़ की अध्यक्षता में बंजारा समुदाय के महंत कबीरदास महाराज, महंत सुनील महाराज, महंत जितेंद्र महाराज, संजय महाराज ने यवतमाल में जाने माने मूर्तिकार रामू चव्हाण की प्रतिमा समर्पित की। विद्या निकेतन इंग्लिश स्कूल में आज ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस समय प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर दिलीप पाटिल, पुलिस अधीक्षक यवतमाल संजय खड़से, उपजिलाधिकारी अकोला, एसडीपीओ आदित्य मिरखेलकर द्वारवा, तहसीलदार सुधाकर राठौर, थानेदार पांडुरंग फाड़े, विजय कुमार जी बंग तथा राजकीय सामाजिक शैक्षणिक व्यावसायिक वैद्यकीय विधितज्ञ पत्रकार इनके साथ नागरिकों की उपस्थिति में विद्या निकेतन स्कूल में ईद मिलन समारोह संपन्न किया गया। बीकेबी न्यूज के लिए दिग्रस यवतमाल से अजित महेंद्र की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ।
अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अकोला में वन कर्मचारियों के द्वारा तेंदुए के बछड़े को पानी पिलाए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। कड़ी धूप में तेंदुए के बछड़े को प्यास लगी थी, उसकी वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। इस बात का पता चलते ही वन कर्मचारी धूले ने बछड़े को पानी पिलाया। सोशल मीडिया पर बछड़े को पानी पिलाने का यह वीडियो वायरल हो रहा है। इथून मागे मी बरेच दिवस त्याच्यावर काम केले, त्याच्यामुळे भीती तर नाही मला। मग त्यावेळेला तुम्ही तिथं नेमकं पाणी तुम्हाला कसं कळलं का त्या ठिकाणी पाणी द्यावं काय? नाही, काय झालं, आमचं तिथं खोदकाम चालू आहे, दुपारी 2:30 टाईम होता, तर ती बिबट्याच्या पिल्लांचा थोडासा आवाज आला आणि मग तिथं थोडं डोकून पाहिलं तर तिथं पिल्लं होती एका गुहेमध्ये, आणि मग ते इकडं तिकडं आम्ही बघून घेतलं अगोदर त्याची आई आहे का नाही तिथं मादी, मग मादी नाही असं कळल्यावर आम्ही पिल्लांच्या जवळ जाऊन पाहिलं आणि मग ती सूचना आमचे वनक्षेत्रपाल कदम साहेबांना आम्ही दिली फोनवर। मग त्यांनी लगेच सांगितलं की तुम्ही त्या पिल्लांना पहिलं पाणी द्या, खायला द्या थोडंफार, आणि मग त्या पद्धतीने त्यांना पाणी आणि खायची सोय केली। मी तुम्हाला असं भीती वाटली नाही का की ती मादी त्या ठिकाणी येईल, तुमच्यावरती हल्ला होईल, असं काही भीती वगैरे? नाही नाही नाही, भीती तर नाही वाटली काही तशी। अजून सोबत कोण कोण होतं त्यावेळेला? सोबत आम्ही दोघच होतो, अशोक उघडे आणि मी। तुम्ही दोघच होते? हो हो। मी तुम्ही असं या बिबट्यांच्या तुम्हाला अजिबात भीती कधीच वाटली नाही? नाही, सावधगिरीनं काम केल्यावर भीतीचं नाही काही। मी यापूर्वीच असे काही कामं केले? हो, बऱ्याच वेळा काम केले। मग असा एखादा प्रसंग? नाही, आता प्रसंग सांगायचा झाला तर एकदा ऊसाच्या शेतातून बिबट्याची पिल्लं बाहेर काढताना मादी पिल्लं हे बरेच वेळा बाहेर काढलीत, मादी असताना सुद्धा काही विहिरीत पडलेली। दिग्रस के सामाजिक कार्यकर्ता और उपक्रमशील दिग्रस के शिक्षक मजहर अहमद खान रहमान खान ने 15 मई अपनी बेटी की शादी में आत्महत्या करने वाले संग्रहकर्ताओं की विधवाओं को सिलाई मशीन बांटकर समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने भारतीय संविधान पर अन्य पुस्तकों और पौधों के साथ अतिथियों का स्वागत भी किया। अंजुमन उर्दू विद्यालय के सहायक शिक्षक मजहर अहमद खान की बेटी मुनव्वर ताज, जो दिग्रस शहर सहित तालुका में अपने सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और जनहित के कार्यों के लिए जानी जाती है, की 15 मई को सुबह 11 बजे शादी हुई। वाशिम के सरदार खान शाहनूर खान के साथ शादी संपन्न हुई। शादी के तंबू में उन्होंने संगीता अशोक तुमाने, माला दिनेश राठौड़, अंजुम परवीन शेख अयूब, सुनीता प्रहलाद मोकर और संगीता अरुण लोखंडे की विधवाओं को सिलाई मशीन बांटकर प्रेरणा और आदर्शवाद की नींव रखी।
उन्होंने सभी अतिथियों का भारतीय संविधान, शिवराय के वफादार मुस्लिम सैनिक, कन्या भ्रूण हत्या आदि विषय पर पुस्तकों और पौधों के साथ स्वागत किया। उन्होंने बड़ी बेटी की शादी में दिव्यांगों को तिपैया भी बांटे थे। उनके बेटे हसन अहमद खान ने भी महाराष्ट्र परीक्षा परिषद पुणे द्वारा ली गई 5वीं और 8वीं छात्रवृत्ति को आत्महत्या कर संग्रहकर्ताओं के बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया। नागपुर में आए दिन चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे ही जरीपटका इलाके से एक नया चोरी का केस सामने आया है। घर की हालत गंभीर बनाई गई है और सामान को तहस नहस कर दिया है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। घर में काम करने वाले लोगों ने की चोरी। एक अपने क्लार्क टाउन मध्य गुरविंदर पाल सिंह वीज म्हणून एक बिजनेसमैन राहतात। ट्रांसपोर्टचा वगैरे त्यांचा बिझनेस आहे, हॉटेलिंगचा बिझनेस आहे। त्यांच्याकडे ते आपल्या कुटुंबासह त्यांची फॅमिली आणि मुलगी दिल्लीला गेले होते आणि ते त्यांची आई आणि त्यांचा मुलगा हे सत्संगसाठी राजनगरला गेले होते। घरात फक्त एक कूक आणि एक दुसरा घर साफसफाई करणारा नोकर असे दोघंजणं, जे आता दोघंजणच होते। ते गुरविंदर पाल सिंगला फोन केला यांनी 6:15 दरम्यान की घरात दोन चोर घुसले, त्यांनी याला हर्षलला मारहाण केली आणि अलमारी वगैरे तोडली अशी तक्रार दिली। आता अलमारीतनी ज्वेलरीसुद्धा होती, म्हणजे मोठं कपाट होतं। आम्ही मग तिथं आम्हाला माहिती भेटल्याबरोबर तिथं गेलो, ते मोठं कपाट पडलेलं होतं। काही वेळासाठी आम्ही प्रिझर्व करून ठेवलं, आयकार आल्यानंतर ते सगळं बघितलं तर ज्वेलरी वगैरे ती कपाटावरच सापडली, पण ज्या कपाटातून ज्वेलरी काढली ती ज्वेलरीच्या ठिकाणावर न ठेवता कपाटाच्या वरच्या ठिकाणी ठेवलेली होती ती ज्वेलरी। ती खिडकीतून आल्याची एक देखावा निर्माण केला करण्यात आला होता आणि सगळा संशय आणि घरात जे सीसीटीव्ही फुटेज आहेत लागलेले ते सगळे आमच्या डीबीच्या टीमनी आणि क्राईमच्या टीमनी बघितले तर ते असं लक्षात आलं की घरात चोर हे दोघंच आहेत घरी जे होते। ते त्याच्यापैकी एक पंकज पांडे म्हणून आहे, हा बिहारचा मूळ राहणार आहे, गेल्या 13-14 वर्षापासून तिथं काम करतो आणि हर्षल नावाचा मुलगा जो आहे तो भंडारा जिल्ह्यात राहतो, 5-6 वर्षापासून तो सुद्धा तिथं त्यांच्याकडे साफसफाई वगैरेचं काम करायचा। तर नंतर त्यांना सीसीटीव्हीचे फुटेजच्या आधारे आपण त्यांना अरेस्ट केली, त्यांच्याकडून त्यांनी कबुली दिली आणि रिकव्हरी पण झालेली आहे। त्यांचा मोडस काय होता आणि यांच्यावर जे गुन्हे आहेत का आणि चोरी करण्यामागचा उद्देश काय सांगितलं? थोडं यांच्याकडे कर्ज होतं, याच्यापैकी जो हा पांडे आहे याच्याकडे 85,000 रुपये कर्ज होतं, तर ते कर्ज फेडण्यासाठी म्हणून यांनी चोरी केलेली आहे। जवळजवळ 14 वर्षापासून तो त्याच्याकडे कूक म्हणून काम करतो आहे। तर माझी एक आव्हान आहे जनतेला, आवाहन करतो मी की आपल्या घरात जे नोकर असतात त्यांच्यावर एक त्यांचं व्हेरिफिकेशन केलं पाहिजे आणि कितीही जुने असले असं मला हे माझा काही असा उद्देश नाही आहे की सगळेच नोकर असे असतात, परंतु बऱ्यापैकी त्यांच्यावर आपला वॉच असला पाहिजे, त्यांच्या मुवमेंट्सवर वॉच असला पाहिजे किंवा त्यांच्या काही आर्थिक अडचणी आहेत का याच्यावर सुद्धा आपलं लक्ष असलं पाहिजे असं मी या माध्यमातून समस्त जनतेला आवाहन करतो। नागपूर वर्धा रोड पर शराब के नशे में कार में सवार एक गिरोह को रविवार को ट्रैफिक पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कार चालक तेज रफ्तार से भागने में सफल रहा। इसके बाद पुलिस ने पुलिस कंट्रोल रूम को वाहन की सूचना दी। पीएल राजपूत ने सोनेगांव ट्रैफिक पुलिस PI प्रभावती येरकुरी को सूचित किया और उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। प्राइड होटल के पास नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी बिंदु पर वाहन को रोक दिया गया। शराब के नशे में धुत बदमाशों को थाने ले जाया गया। PI ट्रांसपोर्ट अजनी राजपूत जगविंदर सिंह ने कहा कि अनिकेत गजानन वैगोकर, यश संजय नेरकर, अनिकेत चंद्रशेखर गजबीए यह कार में सवार व्यक्ति है। उन पर IPC की धारा 279 और MVA की धारा 184 और 185 के तहत आरोप लगाए गए हैं। VKB न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।